गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर सेकंड आवर्ती गुण में इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का अध्ययन करेंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है, इलेक्ट्रॉन बंधुता की परिभाषा क्या है, उसमें ऑक्सीजन का एग्जाम्पल भी देखा था और इलेक्ट्रॉन बंधुता को डिटरमिनाइन करने यानी कि इलेक्ट्रॉन बंधुता को निर्धारण करने का क्या तरीका है, इलेक्ट्रॉन बंधुता को कैसे ज्ञात किया जाता है, ये भी हमने उसमें देखा था। आज हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, जिनमें हम मुख्य रूप से पांच कारकों का अध्ययन करेंगे। पहला कारक है प्रभावी नाभिकीय आवेश। देखिए, किसी परमाणु में प्रभावी नाभिकीय आवेश जितना ज़्यादा होगा उतना ही वो अपने बाह्य इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेगा। और हमने इलेक्ट्रॉन बंधुता की परिभाषा में पढ़ा था कि बाहर से आने वाला इलेक्ट्रॉन नाभिक से जितना ज़्यादा आकर्षित होता है वो उतनी ही आसानी से उस नाभिक से जुड़ जाएगा और नाभिक की कक्षा में आ जाएगा तथा उतनी ही मात्रा में अधिक ऊर्जा मुक्त होगी। अधिक ऊर्जा मुक्त होगी मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होगी, यानी कि किसी परमाणु के नाभिक में जितना अधिक आवेश होगा वो उतना ही प्रभावी रूप से बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा और बाहर से आने वाला इलेक्ट्रॉन आसानी से नाभिक की परमाणु की कक्षा में जुड़ जाएगा। परमाणु की कक्षक में जुड़ने के कारण आसानी से जुड़ने के कारण अधिक ऊर्जा मुक्त होगी, अधिक ऊर्जा मुक्त होगी यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी बढ़ जाएगा। इसका ये ग्राफ है, यह हम देखते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ रहा है। हम इसमें दो चीज़ पॉइंट आउट कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये कि फ्लोरीन के लिए विद्युत ऋणता का मान अधिक होता है और क्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान अधिक होता है। ठीक है, फ्लोरीन के लिए विद्युत ऋणता और क्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता। दूसरा कारक जो कि इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करता है वो है एटम की साइज यानी परमाणवीय आकार। देखिए, किसी परमाणु का आकार जितना बड़ा होगा उसका जो संयोजकता कोष है या बाह्यतम कोष है उसकी नाभिक से दूरी उतनी ही अधिक होगी। बाह्यतम कोष और नाभिक के बीच दूरी अधिक होने के कारण दोनों के बीच आकर्षण बल कम होगा। आकर्षण बल कम होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन आके बाह्य कक्षा में जुड़ेगा उस पर आकर्षण कम होगा। आकर्षण कम होगा तो इलेक्ट्रॉन के जुड़ने पर कम ऊर्जा मुक्त होगी। कम ऊर्जा मुक्त होगी यानी कि इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी कम हो जाएगा। तो यानी कि परमाणु का आकार जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान उतना ही कम होगा, यानी कि परमाणु का आकार और इलेक्ट्रॉन बंधुता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, है ना। इससे पहले वाले टॉपिक में प्रभावी नाभिकीय आवेश और इलेक्ट्रॉन बंधुता तो एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हुए। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ेगी, लेकिन परमाणु का आकार बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होगी। अब हम इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाला तीसरा कारक देखते हैं जो है उपकक्षों की दीर्घवृत्तता यानी कि एलिप्टिसिटी ऑफ सबसेल। जो उपकक्षक होते हैं वो नाभिक के जितना पास होगा नाभिक और उस उपकक्षक के बीच आकर्षण उतना ही अधिक होगा। तो हमने पढ़ा था कि जो एस कक्षक है वो नाभिक के सबसे पास होता है, पी कक्षक उसके बाद आता है, डी उसके बाद आता है, एफ कक्षक सबसे लास्ट में आता है। तो यानी कि एस कक्षक होता है नाभिक के सबसे पास, पी उससे थोड़ा दूर, डी उससे थोड़ा दूर और एफ कक्षक नाभिक के सबसे दूर होता है। तो अगर जो इलेक्ट्रॉन हम जोड़ रहे हैं वो जुड़ने वाला इलेक्ट्रॉन
एस कक्षक में आएगा तो नाभिक के पास आएगा, और एफ कक्षक में आएगा तो नाभिक से दूर आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर आएगा तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच आकर्षण बल कम होगा, आकर्षण बल कम होगा तो ऊर्जा कम मुक्त होगी। और अगर इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में आता है तो एस कक्षक में आएगा तो नाभिक के पास आएगा, नाभिक के पास आएगा तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता भी ज़्यादा होगी क्योंकि इसमें ऊर्जा ज़्यादा मुक्त होगी। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम देखें तो एस कक्षक में सबसे ज़्यादा, पी में उससे कम, डी में उससे कम और एफ में सबसे कम होगा, क्योंकि एस कक्षक में इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर सबसे ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होगी, पी में उससे कम ऊर्जा मुक्त होगी, डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर उससे भी कम ऊर्जा मुक्त होगी, और एफ कक्षक में इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो सबसे कम ऊर्जा मुक्त होती है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी इसी क्रम में लगातार घटता जाता है। तो ये तीन कारक हमने देखे जो कि इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करते हैं। पहला प्रभावी नाभिकीय आवेश और इलेक्ट्रॉन बंधुता एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होती हैं। दूसरा है परमाणु का आकार, परमाणु का आकार और इलेक्ट्रॉन बंधुता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और है उपकक्षक, उपकक्षक का साइज भी कह सकते हैं और उपकक्षक की दीर्घवृत्तता यानी नाभिक से दूरी भी कह सकते हैं। तो एस कक्षक सबसे पास, पी उससे दूर, डी उससे दूर और एफ उससे दूर, इसी क्रम में जिस क्रम में यहाँ दिया, जो क्रम यहाँ दिया हुआ इसी क्रम में इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी घटता जाता है। अब हम इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाला जो अगला कारक है वो देखते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाला जो अगला कारक है वो है किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन आकर्षित करना चाहेगा या इलेक्ट्रॉन को अपने कक्षक में बुलाना चाहेगा वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लेगा और आसानी से इलेक्ट्रॉन लेके नाभिक और उस इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बल उतना ही अधिक होगा, अधिक होगा तो ऊर्जा अधिक मुक्त होगी और ऊर्जा के अधिक मुक्त होने के कारण इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी अधिक होगा। दूसरी चीज़, जो कक्षक पूर्ण पूरित होते हैं या अर्ध पूरित होते हैं वो अन्य कक्षकों के स्थान पे ज़्यादा अधिक स्थायी होते हैं। तो अगर ऐसी कोई संभावना आ रही है कि एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके कोई परमाणु अपने कक्षक को एग्जैक्ट अर्ध पूरित कक्षक या एग्जैक्ट पूर्ण पूरित कक्षक में परिवर्तन कर सकता है तो उस परमाणु की प्रकृति होगी कि वो तुरंत ही एक इलेक्ट्रॉन ले और एक इलेक्ट्रॉन लेके अर्धपूरित या पूर्ण पूरित कक्षक में परिवर्तित होके स्थायी हो जाए। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। जैसे नाइट्रोजन का एग्जाम्पल हम देखें तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2, 2s2, 2p3। अब 2p3, p में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और नाइट्रोजन के पास p में पहले से 3 इलेक्ट्रॉन उपलब्ध हैं, यानी 6 का आधा 3, यानी कि नाइट्रोजन का जो p कक्षक है ये पहले से अर्धपूरित कक्षक है यानी स्थाई है। और अगर हम कार्बन का देखें तो कार्बन का 1s2, 2s2, 2p2, कार्बन के p कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो अगर कार्बन को हम एक इलेक्ट्रॉन और दे दें तो कार्बन भी p2 से p3 में बदल जाएगा, यानी अर्धपूरित कक्षक में बदल जाएगा तो और अधिक स्थायी हो जाएगा। तो अब देखिए, अगर हम नाइट्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन और देते हैं तो नाइट्रोजन p3 से p4 में होगा तो अस्थायी हो जाएगा, क्योंकि अर्धपूरित तो वो अभी है, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के बाद तो अर्धपूरित कक्षक उसका समाप्त हो रहा है। ठीक है, तो नाइट्रोजन की प्रकृति होगी कि वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा। लेकिन कार्बन का p2 है, अगर हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दें तो p2 से वो p3 में बदल जाएगा और p3 में बदलने के कारण वो अर्धपूरित कक्षक स्थायी हो जाएगा। स्थायी होने के कारण कार्बन आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहेगा। तो कार्बन में एक अपूर्ण p कक्षक पाया जाता है जो कि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके p3 में परिवर्तित होना चाहता है, जिससे उसके p कक्षक का p जो कक्षक है वो अर्धपूरित हो जाए यानी आधा कंप्लीट भर जाए, इसलिए उसकी प्रकृति इलेक्ट्रॉन लेने की होगी। किसकी? कार्बन की। तो कार्बन आसानी से इलेक्ट्रॉन लेगा और एक इलेक्ट्रॉन आसानी से लेने के कारण कार्बन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ज़्यादा होता है, जबकि नाइट्रोजन में ऑलरेडी वो अर्धपूरित कक्षक है इसलिए वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा इसलिए कि नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है उसका मान शून्य होता है, क्योंकि जब वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा ही नहीं तो किसी इलेक्ट्रॉन को आकर्षित भी नहीं करेगा, आकर्षित नहीं करेगा तो ऊर्जा मुक्त नहीं होगी। अब इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले अगले कारक को हम देखते हैं जो है परिरक्षण प्रभाव।
परिरक्षण प्रभाव को हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। इसको हमने आयनन ऊर्जा में भी देखा था। देखिए, परिरक्षण प्रभाव जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान उतना ही कम होगा, यानी परिरक्षण प्रभाव और इलेक्ट्रॉन बंधुता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। अब ये व्युत्क्रमानुपाती किस तरह से हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, परिरक्षण प्रभाव होता क्या है, देखिए नाभिक और बाहर से हम जो इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं उसके बीच में परमाणु के खुद के कई कक्षाएं होती हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो नाभिक और बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों के बीच की जो कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं वो नाभिक के आकर्षण से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को बचाते हैं या नाभिक को बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को आकर्षित नहीं करने देते हैं। नाभिक जब बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है तो बीच में उस परमाणु के खुद की कक्षाएं और इलेक्ट्रॉन आ जाती हैं और वो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट करती हैं, शील्डिंग प्रदान करती हैं या परिरक्षण प्रभाव प्रदर्शित करती हैं, जिससे नाभिक बीच की जो कक्षाओं वाले इलेक्ट्रॉन उनको तो आकर्षित कर पाता है लेकिन बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को या बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उससे सही से आकर्षित नहीं कर पाता है। तो नाभिक जब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को सही से आकर्षित नहीं कर पाएगा तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं जुड़ेगा और बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जब आसानी से नहीं जुड़ेगा तो उनके बीच में आकर्षण बल नहीं होगा तो सही से नहीं जुड़ेगा। आकर्षण बल कम होने के कारण ऊर्जा कम मुक्त होगी, ऊर्जा कम मुक्त होगी तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम हो जाएगा। यानी कि नाभिक जब बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहा है उस आकर्षण को कम करने का काम कौन करते हैं, नाभिक और बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के बीच जो कक्षा हैं उन कक्षाओं में पहले से उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण को कम करने का काम करते हैं बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के प्रति। तो इसके ये पांच है टॉपिक, ये आपको आई थिंक समझ में आए होंगे। इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश और इलेक्ट्रॉन बंधुता एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हैं, परमाणु आकार और इलेक्ट्रॉन बंधुता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, कक्षक जो कक्षक नाभिक के ज़्यादा पास होगा उसमें अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ज़्यादा होगा, कक्षक अगर नाभिक से दूर है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी कम होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अगर इलेक्ट्रॉन लेके अर्धपूरित कक्षक या पूर्ण पूरित कक्षक बनाया जा सकता है तो उस केस में इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ज़्यादा होगा और अगर पहले से कोई अर्धपूरित कक्षक या पूर्ण पूरित कक्षक है तो वो बाह्यतम नए इलेक्ट्रॉन को नहीं लेना चाहेगा, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम होगा या शून्य होगा। परिरक्षण प्रभाव जितना ज़्यादा होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम होगा, क्योंकि परिरक्षण प्रभाव में परमाणु में उपस्थित पहले से जो इलेक्ट्रॉन हैं वो नाभिक के आकर्षण को बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर प्रभावी नहीं होने देते हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा। इसके नोट्स मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए हैं, आप उनको देख लीजिएगा। कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा और आप लोग टाइमली वीडियो देखते रहें और जो भी क्यूरी है, प्रश्न है भेजते रहें। मैं आपको असाइनमेंट दूंगा और एक क्विज टेस्ट भी करवाऊंगा तो उसके लिए आप पहले से तैयार रहें। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। पहले स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम आई थी कि सर आप इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं तो मैंने उसको, क्योंकि हमारे 95% से ज़्यादा स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी मीडियम में नोट देना स्टार्ट कर दिया और हिंदी मीडियम में ही पढ़ाना स्टार्ट किया है ताकि आप लोगों को इसमें मतलब माध्यम से हिंदी है या इंग्लिश से ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। फिर भी आप जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं वो कोशिश कीजिए कि जो टर्मिनोलॉजी है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद करने की कोशिश कीजिए, वो आपके लिए भी थोड़ा ईजी होगा। और इससे पहले वाला जो चैप्टर था परमाणु और संरचना, उसको आप थोड़ा सा देखिए। उसमें जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाए थे उसको भी थोड़ा स्टडी कीजिए, क्योंकि पहले वाले चैप्टर के जो पॉइंट्स हैं ना वो हमें आगे काम आएंगे। आगे जो भी हम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्या प्रभाव है इलेक्ट्रॉन बंधुता पे, आयनन ऊर्जा पे, विद्युत ऋणता पे, तो इसमें सब में हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास काम आएगा। तो आपको फर्स्ट वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ना है और कम से कम 30 तक
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और परमाणु क्रमांक तत्वों के याद करने हैं, ताकि वो हमारे आगे के चैप्टर्स में भी काम आएंगे, परिभाषा लिखने में, कारण बताने में, एग्जाम्पल्स में, है ना। तो आप एक बार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और परमाणु क्रमांक 30 तक अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।